कहते हैं ये फिल्म इंडस्ट्री वाले किसी से नहीं डरते, लेकिन सेंसर बोर्ड तो सबका राजा है। सेंसर बोर्ड के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन एक किस्सा ऐसा भी है जब बॉलीवुड के दिलीप कुमार और सेंसर बोर्ड के बीच घमासान युद्ध छिड़ने वाला था और बीच में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आना पड़ा दोनों की सुलह कराने के लिए। चलिए आज बात होगी सेंसर बोर्ड की उस कहानी की जब दिलीप कुमार की पूरी जिंदगी की कमाई वो मिट्टी में मिलाने वाला था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिलीप कुमार की एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सेंसर बोर्ड ने जमकर कैंची चलाई थी। बोर्ड ने फिल्म में 250 कट्स लगाए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि फिल्म पर बैन का खतरा मंडराने लगा था। मामला इतना बिगड़ गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सेंसर बोर्ड और दिलीप कुमार के बीच में आना पड़ा था। आखिर क्या था पूरा मामला, बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सेंसर बोर्ड में अटकने वाली दिलीप कुमार की ये फिल्म थी गंगा जमुना, जो बतौर प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म थी। ये फिल्म 1961 में रिलीज हुई थी। इसे आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन और क्लासिक फिल्मों में से एक माना जाता है। इतना ही नहीं, इसे दिलीप कुमार का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। दिलीप कुमार ने गंगा जमुना में अपनी मेहनत की कमाई लगा दी थी। 1961 में आखिरकार फिल्म तो रिलीज हो गई, लेकिन इसके लिए दिलीप कुमार को काफी पापड़ बेलने पड़े थे। दरअसल फिल्म बनकर तैयार हो गई थी, सब कुछ फाइनल था। उसके बाद सर्टिफिकेशन के लिए उसे सेंसर बोर्ड में भेजा गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय बीवी केसकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। जब फिल्म गंगा जमुना को सेंसर बोर्ड ने देखा तो बोर्ड ने हिंसा और अश्लीलता का हवाला देते हुए फिल्म में 250 कट लगाने को कहा। बिना कट के सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास करने और सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। सेंसर बोर्ड ने दलील दी कि ये फिल्म गंगा जमुना में अत्यधिक हिंसा और अश्लीलता दिखाई गई है, इसकी जरूरत नहीं है। दूसरी ओर दिलीप कुमार अपनी फिल्म में इतने कट के लिए तैयार नहीं थे। जब बात नहीं बनी तो दिलीप कुमार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सहायता मांगी। इंदिरा गांधी ने दिलीप कुमार और नेहरू के बीच एक बैठक निर्धारित की। दिलीप कुमार ने अपनी सारी परेशानियां जवाहरलाल नेहरू को बताई। उन्होंने सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठाए और इसकी कार्य प्रणाली के बारे में नेहरू से बात की। दिलीप कुमार ने दावा किया कि सेंसर बोर्ड तानाशाह की तरह काम कर रहा है और किसी की नहीं सुन रहा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिलीप कुमार द्वारा उठाए गए सभी सवालों को ध्यान से सुना। नतीजा ये हुआ कि जो बैठक 15 मिनट तक चलने वाली थी वो करीब 1 घंटे तक चली। इसके बाद नेहरू ने तुरंत दिलीप कुमार के नेतृत्व में बनी फिल्म गंगा जमुना को रिलीज करने की अनुमति दे दी। इतना ही नहीं, उन्होंने दिलीप कुमार द्वारा उठाए गए सवालों पर भी ध्यान दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इसके बाद बीवी केसकर को सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पद से हटा दिया गया। आपको बता दें कि दिलीप कुमार की फिल्म गंगा जमुना सेंसर मुद्दे के कारण करीब 6 महीने तक अटकी रही थी। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से पास कराना दिलीप कुमार के लिए इतना मुश्किल था कि बाद में उन्होंने कोई फिल्म प्रोड्यूस ना करने का फैसला किया। यही वजह थी कि दिलीप कुमार की एकमात्र फिल्म थी जिसे उन्होंने प्रोड्यूस किया था। आपको बॉलीवुड का ये किस्सा कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।